This show was brought to you by Sing Cardiology. हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइज विद शमी, ब्रॉट टू यू बाय सिंह कार्डियोलॉजी। अच्छा, जिंदगी में हमें कभी कभार कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने डेडिकेशन से और अपने हार्डवर्क से आसमान और सितारों को छू लेते हैं या फिर उसका इरादा रखते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट है ना, इन्होंने इरादा बनाया कि मैं आसमान को छूंगी, मैं सितारों को जमीन पर लेकर आऊंगी, और वो लेकर आ गई। लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं उनको अपने पास बुलाते हुए और उनसे बात करते हुए। तो आज हमारा सौभाग्य है, वी आर वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने आज हमें इस शो के अंदर ज्वाइन किया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ, हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप उनके बारे में बनाया है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो, फिर मैं बाद में आपको उनसे मिलवाता हूँ। कहते हैं काबिलियत और जुनून हो तो कोई बाधा कामयाबी के आड़े नहीं आती। इसी काबिलियत और जुनून की जीती जागती मिसाल हैं रूमा देवी, जिन्होंने घूंघट से निकलकर रैंप वॉक तक का सफर किया और इस सफर को थ्रेड और निनल यानी सुई और धागे के जरिए तय किया, और काशीदाकारी यानी कपड़ों पर नक्काशी का ऐसा हुनर दिखाया कि देखते ही देखते रूमा देवी फेमस फैशन डिजाइनर्स में शुमार होने लगी। जिन्होंने कभी गरीबी के कारण अपना सब कुछ गंवाया, वो रूमा देवी आज 30,000 से ज्यादा रूरल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। रूमा देवी कभी अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी में नजर आईं, तो कभी हार्वर्ड में लोगों को जीने की कला सिखाती हुई नजर आईं। रूमा देवी पर एक डॉक्यूमेंट्री रूमा देवी द क्रूसेडर भी बनी है। इस तरह रूमा देवी ने ये साबित कर दिया, वी आर नॉट क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टेंस, वी आर क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टेंस, यानी हम हालात की पैदाइश नहीं बल्कि हालात हमारी पैदाइश होती है। हाँ जी, तो वीडियो देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट पर्सनालिटी कौन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वेरी इंस्पिरेशनल एंड ब्यूटीफुल मिस रूमा देवी जी। रूमा जी नमस्कार, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर हम इसको राजस्थानी में बोले तो मैशेट से राम राम सा। राम राम सा मुझे आती नहीं है राजस्थानी। रूमा जी, मैं वाकई में सही बताऊँ, मेरे गर्व से सीना मेरा 6 इंच और चौड़ा हो गया आज आपको यहाँ पाकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप आज हमारे लेट नाइट वाइब्स में। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का जिस तरीके से मिलना मिलनसार आप लोग हैं, और आप इंडिया से इतने दूर आके ये जो टीवी चैनल चला रहे हैं, हमारे जैसे लोगों की जो स्टोरियाँ हैं वो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं एक्चुअली पता रूमा जी, मैं आपको एक बताऊँ, मैंने आपके बारे में शायद कम बोला, मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए था। आपके बारे में हमने सुना, पढ़ा, लिखा, मतलब क्या कुछ नहीं, आप इंटरनेट पर आप हर जगह पर हो। एक छोटे से गाँव राजस्थान, आई थिंक बरमार से आप वहाँ हो, वहाँ से आपने अपनी जो है वो जर्नी स्टार्ट की, तो हमें थोड़ा सा आप अपने बताओगे बचपन के बारे में कि वहाँ से कहाँ से आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी? जी बिल्कुल, मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से हूँ, और बाड़मेर पूरा डेजर्ट एरिया है। वहाँ पे इकट्ठे गांव में घर नहीं होते हैं, रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणी बोलते हैं हम घर को, तो वो ढाणियों में लोग रहते हैं। तो ऐसा ही मेरा गांव है रावतसर, और रावतसर की एक ढाणी में मेरा भी जन्म हुआ 1988 में। और जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माताजी का देहांत हो गया था, पिताजी की दूसरी शादी हो गई, और मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई क्योंकि घर के काम की जिम्मेदारियां आ गई, और साथ में वहां पे पानी की बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे पास में बैलगाड़ी थी, और बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी, और बाकी पशुपालन का काम, घर का काम, खेती का काम, और उसके बाद जब भी टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी, क्योंकि कसीदाकारी का काम वहाँ पर हर घर में होता था। खुद के पहनने के लिए भी कपड़े बनाते थे, और अपनी बेटी के लिए माँ अपने हाथ से कुछ न कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के दें जो जब भी वो माँ की याद आती तो अपनी सिंदूक खोल के वो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ प्रोडक्ट देख के ही वो तसल्ली करती थी। क्योंकि आजकल तो फ़ोन हो गए, पहले फ़ोन नहीं थे तो वो बात तो नहीं कर सकती, लेकिन माँ इतने सुंदर प्रोडक्ट बना के देती थी कि वो बेटी पूरी ज़िंदगी उसको संभाल के रखती थी। तो इस तरीके से मेरी दादी भी घर में कसीदाकारी का काम करती, तो मैं उनके साथ में बैठ के सीखती थी। और उसके बाद में 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया था, मेरे हस्बैंड का 5वीं में, तो ऐसा स्थायी रोज़गार हमारे पास में था नहीं, और खेती का काम भी ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि बारिश होती तो साल में 3 महीने का काम होता, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में जब शादी के 1.5 साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, उसको हम नहीं दिला पाए, नहीं बचा पाए,
तो उस टाइम मुझे लगा कि अब जिंदगी में जी के क्या करना है, पहले माँ को खो दिया फिर बच्चे को, तो कई नेगेटिव थॉट आने लगे कि आत्महत्या कर लूँ क्या करूँ। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूँ जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगा रहे। तो यही सोच के यही सोचा, लेकिन एक गांव की महिला कम पढ़ी लिखी उसके पास में ऐसा क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर तो यहाँ तक भी पॉसिबल नहीं है कि किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम भी कर लो। सही बात है। तो या तो कंस्ट्रक्शन का काम या तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, मैं रोमा जी ये हम सारी मैं मुझे एग्जैक्टली मुझे बहुत आपसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है उस जर्नी के, जो आपने कशीदाकारी को जो कहाँ से एक छोटे से काम से स्टार्ट किया और उसको कितना बड़ा बना दिया। ये आपके जहन में जो थॉट आया, ये जो ख्याल आया आपके जहन में, कहीं ना कहीं आपके डेफिनेटली आपने बताया आपकी माँ का देहांत और उसके बाद पिताजी की दूसरी शादी, ये सब सब कुछ, तो ये आपके इस काम के पीछे आपके पिताजी और दादी का कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट था पीछे से, उनकी एक थी एक शक्ति कि आप ये स्टार्ट करो? नहीं, मैंने तो शौक से सीखा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे आगे मेरे लाइफ में ये इतना काम आएगा। जी जी, क्योंकि वहाँ पे तो इतना ही था कि घर का काम करना है, घर के सारे काम सीखना है और उसके बाद में शादी होके ससुराल जाना है। इससे आगे हम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ काम भी करूंगी इस तरीके से घर से बाहर निकल के। जी जी। तो मेरा तो वहाँ तक ही गोल था कि ससुराल में जाके अच्छा काम करना है बस। क्या बात है। लेकिन जरूरत पड़ी तब ये कदम आगे धरा। और तो कैसे फिर कहाँ से आपने शुरुआत की इसकी अपनी जो, और मैंने जहां आपके बारे में जब थोड़ा सा जब हमने रिसर्च किया, हम तो जानते हैं उस बारे में, तो हमारे व्यूअर्स को भी हम बताना चाहेंगे, आपने आई थिंक आस पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको आपने बताया, उनके साथ अपना प्लान शेयर किया, जरूर उस बारे में बताइए। बिल्कुल, तब मैंने यही सोचा था कि जो अड़ोस पड़ोस की बहनें हैं वो मायके जाएगी तो बैग जरूर लेके जाएगी। मैंने कहा मैं क्यों ना बैग बनाऊं, तो मैंने सुई धागा हाथ में लिया और एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी और मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो एक बार फिर हिम्मत आने लगी, फिर मैंने सोचा कि जो तकलीफें मुझे हो रही है वो मुझे अकेली को नहीं, मेरी अड़ोस पड़ोस की और भी बहनों को होती होगी, मैं क्यों ना उनसे बात करके देखती हूँ, मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ लेकिन हम साथ में मिल के तो कर सकते हैं। तो यही सोच के मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, SSG बनाया और 100-100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। क्या बात है। तो 100-100 रुपये मतलब यानी कि 10 महिला तो 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये, क्योंकि उस टाइम नई मशीन 3000 की आती थी और सेकेंड हैंड हमें 1000 रुपये में मिली। मैं आपको पता रूमा जी एक सही बात बताऊँ, आप जितने मासूमियत से जितने इनोसेंस से बातें करते जा रहे हो ना, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुनता रहूँ आपको और ये सुनाता रहूँ, हमारे इतनी 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 खुशी हो रही है मुझे आपको सुन के। और आपका ये जो ऑनेस्टी है, आपकी जो ये कहता ना कि एक सच्चाई ये वो नजर आ रही है आपकी बातों में। तो ये जब आपने बताया कि 1000 रुपए आप लोगों ने जमा किया और आई थिंक सेकंड हैंड मशीन आपने ली, थोड़ा कपड़ा खरीदा, धागा और ये सुई जिसको नेडल कहते हैं वो गए आप, तो ये लेने के लिए वहां शहर कौन गया आपके साथ? अब आप लोग अकेले महिला चल पड़े? घर में जो कपड़ा होता था उसी से हम बनाने की कोशिश करते थे। बिल्कुल, क्योंकि पहले भेड़ की ऊन को वो कताई करके फिर बुनाई करते थे, फिर उनके धागे बनते थे, तो वो अलग अलग कलर में धागे रंगते थे। जी जी जी। तो वो घर में होते थे क्योंकि दादी वगैरह वो बनाते थे ना, तो पीछे जो बचा होता था उसको हम यूज करने की कोशिश करते हैं। और जो घर में कपड़ा होता है तो सुंदर लगता कि इसको लेके हम बैग बना देते हैं। ये ज्यादा मार्केट के बारे में हमें नॉलेज नहीं था क्योंकि हम तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ही कभी गए नहीं थे, गांव में रहते थे। फिर हमें लगा कि थोड़ा काम शुरू हुआ तो हमें लगा कि अब हम 10 महिलाएं हैं, इतना काम कहाँ से आएगा, क्योंकि इतने बैग तो कोई खरीदेगा नहीं। तो फिर हमने सोचा कि कैसे हम और काम को बढ़ाएं जिससे हम सबको काम मिले। तो उसी टाइम मुझे ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के बारे में मालूम चला कि वो संस्थान है, महिलाओं के लिए काम कर रही है और शायद आप उनके पास जाओगे तो आपको शायद मदद मिल सकती है। तो फिर हम 2-3 बहनें इकट्ठे होकर वहाँ गए और वहाँ संस्थापक है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले। हमने बोला कि हमारा समूह है, हमें काम की ज़रूरत है, हमें आपके बारे में किसी ने बताया तो हम आपके पास आए। तो वो कोशिश कर रहे थे महिलाओं को काम से जोड़ने के लिए, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि ये महिलाएं खुद काम के लिए आई हैं, मतलब उनको भरोसा नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाए हो, कल आओगे नहीं, मैं कैसे भरोसा करूं? तो मैंने कहा नहीं, हमारा तो समूह बना हुआ है, हमें काम की ज़रूरत है, हम इसी लिए आए हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। तो फिर हमें सैम्पलिंग का काम दिया गया, तो जब सैंपल अच्छे से बना के लेके गए तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 3 दिन का काम देता हूँ। वो फर्स्ट बार जो काम मिला था हमें इतनी खुशी हुई थी कि हम आके काम पे लग गए। और सुबह वापस गए तो उन्होंने सोचा कि ये कल शाम को लेके गए, सुबह सुबह वापस आ गए, इनसे काम हुआ नहीं।
मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम पूरा काम करके लेके आए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, 3 दिन का काम एक ही रात में कैसे हो गया। मैंने कहा हमें तो खुशी इतनी थी कि हमने पूरी रात बैठ के काम किया था। क्या बात है, यानी कि जितनी खुशी एनर्जी थी सब उसी एक दिन में लगा दिया। तो फिर ये जो सिलसिला था अभी आगे चला किस तरीके से, फिर आपने बोला कि भाई अब ये बन गया है, सारा काम हो गया है, तो इस सिलसिले को आप शहर में किस तरीके से लेके आए, लोगों ने आपको कब जानना शुरू किया कि हाँ भाई रूमा देवी नाम की कोई महिला है राजस्थान के छोटे से टाउन में रहती है, ये बात आगे बढ़ी कैसे, लोगों तक पहुंचे कैसे? उसके बाद जब हमारे पास में काम आने लगा तो मेरी अड़ोस पड़ोस की और बहनें मेरे पास में आने लगी कि आपके पास में काम है, हमें भी काम की जरूरत है। तो जो मेरे पास में काम होता था मैं उनको दे देती थी, ये नहीं सोचती कि पीछे मेरे पास में काम नहीं है मैं क्या करूंगी, मुझे लगता कि इनको भी जरूरत है इनको देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, तो फिर हमने कुशन कवर, कर्टन्स, बेड कवर ये बनाने शुरू किए। तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए, उसके थ्रू आपकी सेल है वो ज़्यादा होगी, हाथों हाथ भी आपको पेमेंट आ जाएगा, तो इस तरीके से आप करिए। तो मैंने कहा एग्जीबिशन होती कहाँ है, तो लोगों ने बोला कि मैंने कहा बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं जी। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं आप मेट्रो सिटीज़ है जहाँ दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह पर बड़ी एग्जीबिशन होती है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की, तो वहाँ पर आप जाके करोगे तो आपके ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे। अब मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक कभी गए नहीं, दिल्ली बॉम्बे कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो सवाल ये है कि घर वाले भेजेंगे नहीं, और हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी में बात भी नहीं करना आता है, हम कैसे लोगों से बात करेंगे, और हमारे प्रोडक्ट किसी ने पसंद नहीं किया तो हम क्या करेंगे। तो ये तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक बार तो हमने ये बात छोड़ दी। फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था नहीं ये करना चाहिए अपन को। तो फर्स्ट एग्जीबिशन करने का मुझे मौका मिला था दिल्ली में रफी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहाँ पे 2010 में। तो मैंने जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के हम दिल्ली पहुँचे, क्योंकि अकेले तो घर वाले भेजते नहीं है, तो मेरे ननंद देवर वगैरह सब साथ में चले, और वहाँ जाके हमने स्टॉल लगाया। और 3 दिन का एग्जीबिशन था, उसमें ज़्यादातर कस्टमर है वो हमारी लेडीज़ होती है, तो उन्होंने हमें देख के उनको लगा कि ये गांव से आए हैं घबरा रहे हैं, तो बड़े प्यार से बात किया कि बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट है ये हाथ से बनाए या मशीन से? तो हमने कहा नहीं ये तो पूरे हाथ के बने हुए हैं। तो जो 3 दिन का एग्जीबिशन था उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई थी। वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि नहीं हम नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। वापस आके गांव-गांव घर-घर जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि वो भी इतना आसान नहीं था कि अपन साइंस जैसे उनके घर में जाके उनसे बात कर लें। घर के बाहर बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, वो कई तरह के सवाल करते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, पता नहीं इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी, कोई तो घर में ही नहीं घुसने देते थे। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ऐसा तो है नहीं, गाड़ी लेके गए उनके घर के आगे उतरे और उनके घर में चले गए, रेत के अंदर पैदल चलना पड़ता है, और लगभग 50+ डिग्री टेम्परेचर में उनके घर पहुँचते हैं, पीने के लिए पानी भी नहीं होता है। इतनी मुश्किल से उनके घर पहुँचने के बाद ये जब सवाल मिलते तो हमें लगता कि नहीं मैं क्यों इतना कर रही हूँ। फिर लगता कि महिलाओं से बात होती ना तो लगता कि नहीं इनको काम की ज़रूरत है, हमें इनको काम से जोड़ना है। तो घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर बैठी घर का पूरा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करेगी, हम खुद इनको काम दे के जाएंगे और लेके जाएंगे। तो ऐसे करके कुछ बहनें साथ में जुड़ी, जब उनके पास में थोड़ी इनकम आनी शुरू हुई तो और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। तो ऐसे करते करते जो नेक्स्ट एग्जीबिशन था उसकी हमने अच्छी तैयारी की, और उसमें फिर हम 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं की, हमने पूरी 11 लाख की सेल करके आए थे। सही है। अच्छा मैं रूमा जी, एक सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन में और दिल में आ रही है, अगर मैं जो सही समझाऊं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जहां आप जिस टाउन से आप बिलोंग करते हो वहां महिला ही हैं, वो घर का खाना पकाना, साफ सफाई सब वो करते हैं, तो आप इतना सारा काम कर रहे थे, इतना आप जा रहे हो दिल्ली बॉम्बे इधर उधर 50-50 मील और डिग्री में घूम रहे हो सब कुछ, तो आपके घर के पीछे खाना कौन पकाता था और फैमिली को कौन संभालता था? वो भी शुरुआत में काफी तकलीफ हुई जी, काफी कुछ लोग पड़ोस के लोग बोलते, कुछ घर के लोग बोलते, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा बाकी लोग हैं घर पे वो कर लेंगे, और मैं सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के 6 बजे तक 2 घंटे में घर का सारा काम निपटाने की कोशिश करती है कि मैं सारा काम करके जाऊंगी और वापस आके करूंगी। तो यही रीजन था कि मुझे काम करना है, बस एक ही लगन थी, और जितना पॉसिबल हो सके मैं मेरे घर को भी साथ में लेके चलती हूं। क्या बात है। और आपने ये स्टार्ट किया था 10 महिलाओं से, फिर ये
22,000 लोग आपके साथ, तो फिर आपने जो इतना बड़ा सेंटर बनाया, लोग आपको जानते हैं अब, तो ये इन सबको मैनेज फिर आप किस तरीके से करते हो? अब इतने सारे लोग हो गए, आप इतने सारे लोग जुड़ गए अब आपके साथ। देखिए, हम गांव में एक मोबाइल वैन लेके जाते हैं उन्हीं के घरों के बीच में, और फिर स्टेशन बने होते हैं, वो वहां पे आते हैं और अपना सामान लेके वापस जाते हैं। साथ में हमारा क्या ज़्यादा काम है डेवलपमेंट का, क्योंकि गांव में हर महिला को काम करना आता है, लेकिन मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट कैसे तैयार करने वो उनको इतना समझ में नहीं आता, तो इसके लिए फिर हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और ट्रेनिंग के लिए वो खुद राजी नहीं होते हैं कि हमें ट्रेनिंग देंगे तो हमारे ही काम आएगी, तो उसके लिए फिर उनको स्टाइपेंड देना पड़ता है उनको, फिर स्किल की ट्रेनिंग, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, मार्केटिंग लिंक करवाना, फिर उनको एक्सपोजर विजिट करवाना, क्योंकि थोड़ा बाहर जाएंगे तो वो उनको समझ में आएगा, वहाँ पे तो कच्चे घर हैं, बच्चे भी हैं, पशु भी हैं घर में, तो किस तरीके से जो महंगे फैब्रिक है उसको केयर करना है, तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब वहाँ पर मुझे और दिक्कत आ गई, अब ट्रेनिंग के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे मेरे पास थे नहीं, तो एक दो संस्थाएँ हमारे साथ में जुड़ी, उन्होंने सहयोग किया, तो इस हिसाब से हमने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, तो लगभग आज हमारे साथ में 30,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है, लेकिन अकेले बाड़मेर में 2,00,000 महिलाओं की तो वेटिंग है कि हमें भी काम मिलेगा, लेकिन सबके लिए तो और लोगों से सहयोग चाहिए, उनको भी ट्रेनिंग मिले, वो भी आगे आ सके, क्योंकि मुझे ये नहीं करना है कि मैं उनको काम दूं और वो काम करें, मुझे उनको खुद को सेल्फ इतना मजबूत करना है कि वो खुद अपना काम करें। क्या बात है, मैं पता रुमा जी एक बात बताऊं, शायद यही आपकी ऑनेस्टी है, यही सच्चाई है जिसकी वजह से ऊपर वाले ने आपका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है, भगवान आपको इसीलिए इतनी सफलता पर सफलता दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी नीयत और आपका दिल कितना सच्चा है। आप देखें, आपने अपने बारे में बताया कि आप हिंदी नहीं बोल सकते, जैसे मारवाड़ी बोलते थे, अब आप हिंदी ऐसे जबरदस्त बोल रहे, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं परेशान हो गया कि हिंदी को मैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप हिंदी आपने सीखी और बचपन से आप नहीं बोल रहे। कहां 10 महिलाएं, फिर कहां ये 2,00,000 महिलाओं के साथ आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, आप एकदम इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हो, फिर घर को संभालना, इतना सारा काम करना, फिर ये जज्बा होना कि नहीं मैं नहीं चाहती कि वो डिपेंडेंट हो, वो इंडिपेंडेंटली अपना सबका अपना काम करें, तो आई थिंक यही एक रीजन है, यही एक वजह है कि आप आज इतने सक्सेसफुल और सफल हो। तो रूमा जी एक काम करते हैं, अभी हमारे पास बातें बहुत सारी हैं आपके साथ करने के लिए, अभी आपके साथ कुछ हम फन मस्ती भी करेंगे, थोड़ा सा कहते हैं ना हंसना भी जरूरी है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं रूमा जी आपकी इजाजत से, और उसके बाद फिर हम आके आपसे और बात करेंगे, सही है? बिल्कुल, चलें रूमा जी। ऑलराइट गाइस, चलें, हमारे साथ आज यहां पे द रूमा देवी जी हैं, इनकी इंस्पिरेशनल जो जर्नी है उसकी बातें हमने सुनी, लेकिन अभी कुछ और बातें और फन मस्ती बाकी है जो हम रूमा जी के साथ करेंगे, तो आप लोग कहीं भी मजा आइए, देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Sing Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease, which is $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey, Bobo.
Do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं आज अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे द रूमा देवी जी भी हैं। तो लेट्स वेलकम अगेन रूमा जी, वेलकम बैक। मैं अगेन कहूंगा राम राम सा। राम राम सा। मुझे एक्चुअली राजस्थानी बोलने में ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा रूमा जी, मैंने आपके इस आउटफिट की तारीफ ही नहीं की शुरू में, इतना आपने यानी कि इतना स्पीड से कॉन्वर्सेशन आ गई कि मैं चुप हो गया। रूमा जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मुझे रूमा जी एक बात बताइए, ये आप ये जो जेवर पहनते हो, ये जो दुपट्टा है और इतना जबरदस्त आउटफिट है, आप वहाँ राजस्थान की गर्मी में यही कपड़े पहन के घूमते हो वहाँ पर भी? बिल्कुल, ये हमारा राजस्थान का ट्रेडिशनल है, ये राजस्थान की पहचान है। जी जी। तो पहले तो हमारी जो दादी माँ ताई जी वो तो पूरे पहनते थे, चूड़ा पहनते थे, यहाँ पे भी चूड़ा पहनते थे और पैरों में भी तीन तीन चार चार जोड़ होती थी, कड़िया बेड़िया जौंजरिया और पायल, और उसके बाद में पूरी वो बिचियों की चार चार जोड़ी। तो इस तरीके से वो पूरा यहाँ पे सिर पे वो बड़ा बोर होता था, बड़े बड़े झुमके, गले में फिर कंठी तिमणिया वो सारा पहनते थे, हमेल बाली, तो इस तरीके से वो पूरा पहन के ही रखते थे और सोते तो भी वो पहने हुए रखते थे। वो हमारे राजस्थान की प्योर पहचान है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान की जो पहचान है वो कहीं खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि हमें हमारा परिधान चेंज करने से ही हम कुछ काम कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं उनके साथ में जाके बैठती हूँ तो उनको लगता है कि नहीं, रूमा जी ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, हमें कोई परिधान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं इंडिया से बाहर जाती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि आप इंडिया से हैं, राजस्थान से बाहर होती हो तो वो बोलते हैं कि आप राजस्थान से, तो मेरी पहचान मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरी पहचान मेरा परिधान है। क्या बात है। मैं पता रूमा जी, आई थिंक आपको देख के ही ये कहावत किसी ने लिखी थी कि एक नारी सब पे भारी, यानी कि इतना 100 किलो का जेवर आपने पहना हुआ, बेचारी महिला इतनी मतलब कि फिजिकली तो मतलब जैसे कि ज़्यादा वेट तो नहीं होता, कई तो मैंने राजस्थानी महिलाओं को देखा इतना जेवर पहन के घूम रहे हो, इतना वजन सारा ऊपर से फिर घर के काम, और ये वाकई में शायद इसीलिए कहा है कि भाई एक नारी सब पे भारी, तो वाकई में मैं मजा आ गया आपकी बातें सुन के। अच्छा रूमा जी, अब हम थोड़ा सा आपके जो फैशन ब्रांड है द रूमा देवी ब्रांड, उसके बारे में हम थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे, उसके बारे में भी हमें बताइए ना कि कहां तक पहुंचा वो ब्रांड अभी आपका। देखिए हमारा वैसे तो हमने जब शुरुआत की थी और उसके बाद में जब मैं केबीसी में गई तो अमिताभ बच्चन जी ने भी यही बोला था कि आपका नाम ही ब्रांड बन चुका है। तो मैंने कहा मेरा नाम किसी के काम आ रहा है तो आप बिल्कुल यूज़ लीजिए। तो जब कोविड आया तो कोविड में सब तरीके से स्टोर वगैरह वो बंद हो गए थे, एग्जीबिशन होने बंद हो गए थे, तो काफ़ी चिंता हुई महिलाओं को कि अब हम कैसे करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपन वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के जरिए अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। तो यही सोच के उसी टाइम हमने रूमादेवी.com के नाम से वेबसाइट बनाया था और वहीं से ये रूमा देवी के ब्रांड के नाम से शुरुआत। तो ये सभी कौन मैनेज करता है, वेबसाइट और ब्रांड और सारी चीज़ें? मतलब मुझे लगता है मुझे आपसे कुछ सीखना पड़ेगा, यानी कि वाकई में देखें ये होता है जब इंसान कुछ करना चाहे ना तो रूमा जी की जरा बातें सुने आज जो लोग इंस्पिरेशन चाहते हैं। रूमा जी तो ये सब कौन मैनेज कर रहा है पीछे, मैनेजर वगैरह सारे? अभी तो पूरी टीम है हमारी जो काम करती है, और उसके अलावा इंडिया भर से काफ़ी यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तो वो अपने अपने दिमाग लगा के ये काम करते रहते हैं, क्योंकि वॉलंटियर के बिना हम काम नहीं कर पाते हैं और वॉलंटियर्स आके इतना अच्छा काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा रूमा जी, हमने देखा एक वीडियो में आप रैंप वॉक भी कर रहे हो, मॉडल के साथ आप चल रहे हो अपने इसी आउटफिट के अंदर, वो सर एक्सपीरियंस में बताइए, वो कैसा मतलब तजुर्बा था आपका, कैसा अनुभव था जब आप चल रहे थे उस रैंप वॉक? बिल्कुल, हम जब एग्जीबिशन कर रहे थे तो उस टाइम हम होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे, तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना पहनने के कपड़े बनाएं जो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि पहनने के कपड़े तो हर रोज चेंज होते हैं। तो यही सोच के हमने फिर पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से जो हैंडलूम का फैब्रिक है उसको सोर्स करना शुरू किया, टसर सिल्क मूंगा मटका चंदेरी मैसूरी मंगलगिरी ऐसा फैब्रिक लेके हमने साड़ी कुर्ते दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। लेकिन जब हम साड़ी वगैरह बना के लेके गए तो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि एप्लिक पहने हुए कैसे लगेंगे, क्योंकि पहले एप्लिक में ज़्यादा नहीं बनते थे। तो
फिर मैंने सोचा ऐसा क्या करें जो लोगों को दिखाएं, तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। अब फैशन शो के तो नाम से इतनी सीट थी कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो था। मैंने कहा हम क्यों फैशन शो करें, एकदम से हमने मना कर दिया। फिर किसी ने बोला कि नहीं आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं, जो अपने प्रोडक्ट है वो लोगों को दिखा सकते हैं ऐसे। लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो करना चाहिए, पर एक आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा। सही बात है। काफी संघर्ष करने के बाद मैं राजस्थान में, राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स लोग, अवार्डी लोग वो आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, आप तो आर्टिजन हो। लेकिन वहाँ पे मैंने इतनी जिद की, नहीं हमें एक बार आप मौका दीजिए। तो वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े डिजाइनर्स हैं, बिबिरस से लबरामन ठाकुर, हेमंत त्रिवेदी, एलमंडा, तो उनके कलेक्शन के साथ में हमारा कलेक्शन कैसे बनाएंगे, क्या कलर थीम लें, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन लें, मतलब ऐसी दुविधा थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगते हैं। तो हमने वहाँ जाके बोला कि हमें ये फैशन शो करने का मौका मिला है, आप इसमें हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला कि रुबा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप ये जिद छोड़ दीजिए, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। बड़ा दुख हुआ कि कोई मदद करने वाला नहीं है, रोना भी आया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। तो यही सोच के मैंने थोड़ा उस टाइम थोड़ा नेट का ये ज़माना कम था, लेकिन इधर उधर से करके मैंने मेजरमेंट वगैरह, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, जैसा हमें समझ में आया कलर थीम लिया, हमने हमारा कलेक्शन तैयार किया। अब मुझे ये था कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा मुझे पसंद है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम वहाँ पहुँचे, और जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर्स खड़े होकर तालियां बजाई, और 5 डिज़ाइनर बाड़मेर पहुँचे अगले शो के लिए अपना कलेक्शन बनाने के लिए। क्या बात है। और उसके बाद में TFI का डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आपको दिल से यानी कहते हैं आवाज़ आ रही थी कि नहीं किसी और को अच्छा लगने लगे, मुझे तो अच्छा लग रहा है, सब हटो पीछे ऐसी की तैसी रूमा देवी करके दिखाएगी अब। और वाकई में आपने करके दिखाया। अच्छा रूमा जी, अब आपने जैसे KBC का नाम ले लिया, बिकॉज हम भी बड़े फ़ैन हैं अमिताभ बच्चन के, और मुझे भी बड़ा खुशी इस बात की है कि आपने उनके साथ बात की है। तो हम थोड़ा सा उस अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। तो KBC में आप जब गए, उन्होंने कैसे आपको मतलब कॉन्टैक्ट किया कि आप KBC में आइए और हमारे साथ वहाँ गेम खेलिए आके। KBC से मेरे पास में कॉल आया था कि हम सोने चैनल से बोल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति शो में आपको इनवाइट करते हैं। मैंने कहा, क्योंकि पहले हमारे गांव में ना टीवी थी ना लाइट थी, तो ज़्यादा मुझे टीवी के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन कुछ ही महीनों पहले मेरे देवर घर पे टीवी लेके आए थे, और कौन बनेगा करोड़पति एक दो बार मैंने ऐसे शो देखा था। तो मैंने कहा मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं और क्वेश्चन आंसर होते हैं, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। तो मैंने सोचा ज़रूर फेक कॉल होगा। तो उनका नेक्स्ट डे और कॉल आया कि हम सोनी चैनल से बोल रहे हैं और हमारा फ्राइडे को स्पेशल शो होता है, करमवीर अवार्ड देते हैं, और इसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप मेल भेजिए। फिर उनका मेल आया, फिर उनकी टीम पहुंची बाड़मेर, 5 दिन वहाँ पे शूटिंग चली, और फिर हमें बॉम्बे बुलाया गया, और पूरा दिन हमें अमिताभ बच्चन जी के साथ में रहने का मौका मिला। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े लोगों के साथ में बैठ के हम कैसे बात करेंगे, बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो इतनी सहजता से बात करते हैं कि लगा ही नहीं कि हम इतने बड़े लोगों के साथ में बैठे हैं। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा KBC का जी। और कितने धनराशि जीती कुछ बताएंगे? क्योंकि मेरे साथ में सहयोग करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बोला तो उन्होंने कहा नहीं आपके साथ में सहयोग के लिए कोई सेलिब्रिटी रहेगी, तो मेरे साथ में सोनाक्षी सिन्हा थी, और हमने 12,50,000 रुपए जीते। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन यहाँ पे हम आपको सारी दुआएं और बेस्ट विशेज हमारे व्यूअर्स को दुनिया भर में हम बताएंगे आपके बारे में। अच्छा मैं दूसरा एक और चीज में आना चाह रहा था, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको लोगों ने बुलाया वहां पर स्पीच देने के लिए। मैं आपको एक बात जो मेरे दिल में खुद कहना चाह रहा हूं, ऑब्वियसली अब तो मैं जा चुके हो, मैं आज तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहां पढ़ूं जाके, तो लेकिन आप वहां गए और आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जाके लेक्चर दिया। क्या मतलब वो वाली बात है ना कि आपने जैसे कि सूरज को अपनी मुट्ठी में कर लिया। रूमा जी जितना गर्व किया जाए आप पे कम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया, कैसे बुलाया वहां? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो एनुअल फंक्शन होता है उसके लिए उन्होंने एज ए स्पीकर के तौर पर बुलाया था, उन्होंने मेल किया था। तो मैंने कहा इनके साथ में ये भी था कि हार्वर्ड में जो स्पीकर आता है वो खुद की टिकट लेके आता है, खुद के खर्चे पे आता है। मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए खर्च करके वहाँ जाऊंगी
तो मैं काम कैसे करूंगी? मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो ना अच्छी स्कूल में पढ़ पाई, ना कॉलेज के बारे में सोचा, और सीधा हार्वर्ड में जाके मैं क्या करूंगी, मैंने ये बोला। तो एक महीना तक हमने वापस जवाब भी नहीं दिया था। तो फिर उसी टाइम मुझे जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था बॉम्बे में, और बजाज ग्रुप को जब पता चला कि इनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और ये छोड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है और आप नहीं जा रहे हैं, हम आपके टिकट बनाते हैं, आप जाओ जी। तो वहाँ से हमारी टिकट बनी। फिर एक दो लोग थे प्रकाश जी कानूंगो, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे रहने की व्यवस्था की। तो इस तरीके से हम यहाँ पहुँचे हार्वर्ड, और हार्वर्ड में आने के बाद में एक दिन वर्कशॉप था, दूसरे दिन स्पीच था, तीसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में एक पूरे मीटिंग थी जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोग आए। तो उन्होंने सब ने वहाँ की कला के बारे में सोचा समझा, तो फिर बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो ऐसी बात हुई थी। उसके बाद में हालांकि कोविड आ गया तो ये बात आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं नहीं जाती तो इतनी सारी चीज़ें कैसे हो पाती। सही बात। तो बहुत अच्छा रहा मेरा जो हार्वर्ड का जो जी जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, तजुर्बा। अच्छा, मैं पता रूमा जी, ये पूछना यहाँ पे बनता है मेरा कि देखें, कहाँ राजस्थान का एक छोटा सा ज़िला, छोटा सा गांव, वहाँ से और अब पूरी दुनिया में कैसा लग रहा है सब ये? इतनी ज़्यादा अचानक से एकदम फ़ैन फॉलोइंग आपकी बढ़ गई, लोग आपके दीवाने हो गए, हम खुद आपके फ़ैन हो गए, मेरी पूरी टीम एक्साइटेड थी, आज अमेरिका में रह के लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, कैसा फील, क्या क्या जज्बात क्या होते हैं जब इतना प्यार और इतनी इज्जत मिलती है? इतना नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम, उससे इतना बड़ा मतलब कोई अवार्ड भी मिलता है, ये भी नहीं सोचा था। तो सबसे पहले जब हमें जिला कलेक्टर के हाथों से अवार्ड मिला तो इतनी खुशी हुई थी कि ये काम करने से अवार्ड भी मिलता है। सही बात है, सही बात है। लेकिन वहां से हमें इतनी हिम्मत मिली कि हम और अच्छा काम करेंगे। तो हम काम करते गए, उसके बाद में मामी राज्यपाल जी के हाथों से अवार्ड मिला तो हमें और ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद में जब राष्ट्रपति जी के हाथों से नारी शक्ति पुरस्कार मिला तो हमें तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि हम दिल्ली जाते थे, दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन अंदर जाके सम्मान लेंगे उन राष्ट्रपति जी के हाथों से, और उनके साथ में चाय नाश्ता करने का मौका मिलेगा, और दूसरे दिन एट होम प्रोग्राम होता है पीएम के साथ में नाश्ता करने का। तो ये सारी चीज़ें बहुत हमारे लिए इतना होता है कि, लेकिन ये सारे अवार्ड मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे अकेले का नहीं है, ये हमारी वो 30,000 बहनों की जो मेहनत है उन सभी का है। इसी तरीके से और भी बहनें मेहनत करें और इस तरीके के अवार्ड लें। बिल्कुल सही बात है, ये तो आपका हम बिल्कुल पहचान चुके हैं, आपके अंदर ये बात है कि मैं अकेला नहीं, सबका साथ सबका विकास, और यही कामयाब जो है ना, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो दूसरों के बारे में सोचता है। अब आपने नारी शक्ति पुरस्कार की बात करी थी, ऑब्वियसली इतना बड़ा आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से अवार्ड मिला, वो कैसे उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया कि भाई हम आपको नारी शक्ति देना चाहते हैं? उस टाइम भी मैं नोएडा में थी एक एग्जीबिशन में, और वहाँ मैं थी तो मेरे पास में कॉल आया कि हम आपको नारी शक्ति पुरस्कार दे रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी चीज आपके साथ, मैं यहाँ थी, मैं वहाँ थी, मैं किचन में थी, मैं फलाना जगह थी, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फोन आ गया, अमिताभ बच्चन का फोन, मतलब यानी कि कमाल है रूमा जी। क्योंकि महिला बाल विकास वाले ये भेजते हैं अवार्ड के लिए, नॉमिनेशन भेजते हैं, तो उन्होंने ही भेजा था, हमें ज्यादा मालूम नहीं था, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी हमने दे दी उनको। लेकिन उसके बाद में हमें ये तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हमें अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन जब उनका कॉल आया तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं वहाँ बैठी हूँ, मैंने सबको बताया कि वहाँ से कॉल आया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से आया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिलना पता नहीं कहाँ से आया, क्या मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। सही बात। अच्छा, तो फिर उन्होंने उनका मेल आया तो फिर मुझे लगा नहीं ये तो वास्तव में प्रेसिडेंट के हाथों से हमें अवार्ड मिलने वाला है। तो बहुत खुशी थी हम सब महिलाओं में कि हमें अवार्ड मिल रहा है, और वहाँ जाके अवार्ड लेने के बाद में तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्या बात है, क्या बात है रूमा जी, आप कहते ना कि बड़ी से बड़ी चीज से ठिकाना नहीं, खुशी का हमें विश्वास नहीं, और हो जा आप कर रहे हो सब कुछ और जिसके से आपको विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा रूमा जी, एक और हमारे भी एक छोटी सी एक ब्रेक का टाइम है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, पर हमारे पास कुछ और बातें और एक्टिविटीज हैं आपके लिए, वो हम आपके साथ करेंगे। सही है, चले रूमा जी एक और ब्रेक लेते हैं। गाइस, हमारे साथ द रूमा देवी जी हैं, इनकी मजे मजे की और इंस्पिरेशनल बातें जो हैं वो तो चल ही रही हैं, अब इनके साथ कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे, तो आप लोग कहीं भी मत जाओ, देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।
Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. वापस आ गया हूँ और यहाँ अकेला नहीं हूँ. मेरी इस जबरदस्त सी राइड में मेरे साथ हैं द रूमा देवी जी. रूमा जी, वेलकम बैक, स्वागत दोबारा से आपका. राम राम सर. मुझे बड़ी खुशी हो रही है राजस्थानी बोल के और आपको सामने देख के. मैं तो कह रहा हूँ शो चलता रहे. रूमा जी, हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, आपको एक्टिंग का भी बहुत शौक है दिल में, मतलब यानी आपको हमें मालूम है आप अमिताभ बच्चन जी को बहुत पसंद करते हो, हम भी उनके फैन हैं. तो अमिताभ बच्चन जी की मूवी का तो नहीं, लेकिन कोई भी एक ऐसा डायलॉग है, कुछ ऐसी एक्टिंग आप हमें करके दिखाओ हल्के से, कुछ जल्दी से. जैसे सोनाक्षी सिन्हा का एक मूवी में डायलॉग है, चल झूठे. आपने हमें तो झूठा नहीं बोला ना. नहीं, हम तो ऊपर से लेकर नीचे तक सच्चे ही सच्चे. अच्छा, मजा आ गया रूमा जी, क्या बात है. अच्छा रूमा जी, अभी है ना हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे इमेजेस. तो हम ये पूछ आपसे फिर ये जानेंगे कि उस पिक्चर के पीछे, उस इमेज के पीछे क्या कहानी है, आप कहाँ गए, क्यों गए और वो पिक्चर कैसे ली. सही है, तो जरा हमारे एडमिन भाई जरा पहली पिक्चर जरा हमें दिखाइए कि वो क्या है रूमा जी की. तो रूमा जी ये पिक्चर है, इसके अंदर हम नरेंद्र मोदी जी को भी देख सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, और इस पिक्चर की जो कहानी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे. ये पिक्चर है जब मुझे नारी शक्ति अवार्ड मिला था और उसके दूसरे दिन एट होम प्रोग्राम होता है, तो उस टाइम पीएम साहब के साथ में हमें लंच पे इनवाइट किया गया था और वहाँ पे हमारी मुलाकात पीएम साहब से हुई और उस टाइम की ये पिक्चर है. क्या बात है, तो पीएम साहब से मिलकर कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और वो सबको मतलब जानते भी है बिल्कुल नाम के साथ. क्या बात है. मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है आगे कि शायद आपको कोई ऑफर भी बोलेंगे कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आए और आप लोगों को और इंस्पायर करें. क्या बात है, देखें हो सकता हो. चलें एडमन भाई, हमारी जो सेकंड इमेज है जरा वो दिखाइए. ये है सेकंड इमेज. क्या बात है रूमा जी, बहुत खुश नजर आ रही हैं, पहाड़ों और दरख्तों के बीच में, पीछे इतनी भेड़ बकरियां हैं, डियर्स हैं. ये कहाँ की पिक्चर है रूमा जी? ये स्कॉटलैंड की है. क्या बात, और वहाँ पे एक फार्म हाउस है, हमारे राजस्थान के ही सूर्यवीर सिंह जी है उनका फार्म हाउस है और वहाँ पे लगभग 1500 एकड़ में उन्होंने ये फार्म हाउस बना रखा है और वहाँ पे 1500 से ऊपर हिरन है उनके पास में और लगभग
1000 से ऊपर भेड़े हैं, गायें हैं, तो ये फार्म हाउस देखने के लिए हम वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से राजस्थानी लोग यहाँ पे भी पशुपालन का काम कर रहे हैं, तो ये पिक्चर वहाँ की है। क्या बात है। अच्छा रूमा जी, आप स्कॉटलैंड में तो बड़ी सर्दी भी पड़ती है, तो आप वही अपने इसी ट्रेडिशनल आउटफिट के अंदर गए थे या गर्मियों में गए तो अलग बात है, सर्दी नहीं लगी स्कॉटलैंड में? नहीं, अभी गर्मियों का मौसम ही था लेकिन बारिश खूब हो रही थी, तो ये ऊपर बारिश भी हो रही है। अच्छा, बारिश भी हो रही है, चलो ठीक है, बच गया वरना मैं बोलूँ भाई। अच्छा, तो तीसरा इमेज जरा हमें दिखाइए हमारे एडमिन भाई, क्या है तीसरा इमेज? ये आ गया, इसके पीछे देखें रूमा जी का नाम भी लिखा हुआ है, पीछे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं, स्टैंडीज लगी हुई हैं और रूमा जी बड़े अपने ट्रेडिशनल आउटफिट के अंदर। जी रूमा जी, क्या बात है, ये कहाँ की, कब, क्यों, कैसे, कहाँ की? गुड़गांव में फैशन शो था और वहाँ की है, वहाँ मैं नहीं जा पाई लेकिन ये जो पीछे पे पर्दे पे देख रहे हैं आप और मेरी टीम गई थी वहाँ पे, तो ये हमारा फैशन शो हुआ था गुड़गांव में और हमारे प्रोडक्ट है, परिधान है, वो पहन के मॉडल्स ने रेम्बो किया उस टाइम का। क्या बात है, यानी कि रूमा जी यानी कि खुद जा नहीं पाए लेकिन रूमा जी की तस्वीर जरूर थी वहाँ पे, क्या बात है। सही है जी। अर्जुन भाई, नेक्स्ट इमेज क्या है वो दिखाइए हमें। हाँ जी, ये मुझे मुझे पता है, ये चीज़ बड़ी हमेशा से बड़ी फैसिनेट करती है रोमा जी कि ये राजस्थान में ही, हमने राजस्थान के कल्चर में देखा है कि इतने बड़े बड़े मटके और एक नहीं कई सारे एक सर के ऊपर लेके एक महिला चलती है रेगिस्तान के अंदर, तो ये क्या, कहाँ की पिक्चर है ये? ये हमारे घर की पिक्चर है। हाँ। और अभी वैसाख महीना होता है जिसमें लड़कियाँ व्रत रखती है, पूरा महीना व्रत रखती है, एक टाइम वो खाना खाती है और पीपल की पूजा करती है हर रोज, तो हमने भी ये वैसाख का उद्यापन किया था, मैं और मेरी देवरानी है साथ में, और पूरा वो 12 एक जने के 12 महिलाओं को खाना और सारे परिधान उनको देने होते हैं गिफ्ट और साथ में पानी का घड़ा भी। क्या बात तो है? ये हमारे अभी का दो महीने पहले की पिक्चर है जो वैसाख का उद्यापन किया था हमने। अच्छा, मैं रुमा जी को आपसे और बात पूछना चाहूंगा, इतने सारे मटके लेके चलते हो, कभी गिरता नहीं है मटका, इतने सारे सर पे होते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो दो दो तीन तीन मटके लेके चलना पड़ता है, पानी नहीं होता तो दूर से पानी लाने के लिए वो, और वो भी रेत के टिब्बों के बीच होके लेके आना पड़ता है, तो ये तो वहाँ का सिस्टम है, आपके खून में आपकी, क्या बात है। और इतना लंबा घूंघट, और ये घूंघट की क्या कहानी है, ये मतलब ट्रेडिशन है, ये भी इतना लंबा घूंघट निकालना वहाँ पे, वहाँ पे मतलब कल्चर में है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जैसे व्रत की बात की, अब मेरा बोलना तो यहाँ बनता है, इतना लंबा घूंघट सर पे 10-12 मटके घूंघट निकाल के व्रत रखना एक एक महीने का और एक टाइम का खाना खाना, मैं हमारे पुरुष जितने भी है ना मेल, उनसे भी बोलना चाहूंगा कि एक महीने के लिए, जिस तरह की रूमा जैसी जो महिला है वो जो करती है, अगर हम एक महीने के लिए जो है ना ये सारे चीजें करें ना, तो हमें पता चलेगा कि वाकई में हम कहते हैं कि एक नारी सब पे भारी, वो हम क्यों कहते हैं कि औरत जब चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। रुमा जी, मुझे बहुत फखर है आपके ऊपर, बहुत बहुत गर्व है। चले हमारे एडमिन भाई, नेक्स्ट इमेज दिखाइए, नेक्स्ट इमेज क्या है? हाँ जी, इसके अंदर रुमा जी आप बड़ी सुंदर दिख रही हैं और आपके साथ सुमिति रानी जी भी हैं, ये जो है वो कहाँ की पिक्चर है ये हम जानना चाहेंगे आपसे, और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के भी मुझे कुछ देख रहे हैं, कुछ नेवी के और एयरफोर्स के भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं वहाँ पे। जी, ये दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, न्यूज 18 का प्रोग्राम था, वो हमें अवार्ड दे रहे थे उस टाइम, स्मृति ईरानी चीफ गेस्ट थे तो उनके हाथों से हमें अवार्ड मिला था और ये पिक्चर है दिल्ली की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक और हमारे पास इमेज है वो हम देखते हैं, चलें जी, ये जो हमारा लास्ट इमेज है वो दिखाइए। हाँ, ये आ गया लास्ट इमेज। इसे ये गेहूं पीसते हैं ना, चक्की कहते हैं इसको, चक्की कहते हैं। हमारे उधर बाजरी ज्यादा होती है तो वो हम हाथ की चक्की से पहले आटा पीसते थे ना, तो यही है। ये लंदन का फोटो है और लंदन में जीमण करके बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जो राजस्थान की संस्कृति को बचाने के लिए, वहाँ पे नई युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रोग्राम रखा गया, तो मुझे यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया और मुझे देख के सारी महिलाओं ने ये बोला कि नहीं रूमा जी, जैसे ही परिधान हमें पहनने हैं यहाँ पे लंदन में भी, तो मुझे बहुत खुशी हुई उनके साथ में जाके कि इस तरीके से जो अपने इंडिया से बाहर लोग रहते हैं वो भी वहाँ की कला और संस्कृति को जीवित रखने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या बात है, मैं तो कह रहा हूँ चक्की चलाने की जरूरत ही नहीं, आप जहाँ चले जाओ आपकी प्रेजेंस ही काफी है, आपकी ये जो कहते हैं ना संस्कृति और जो कल्चर है वो कभी भी नहीं मरेगा। क्या बात है, मैं पहले ताली बजा दूँ आपके लिए रूमा जी, क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए आपकी वो कम है। अब थोड़ी सी जरा थोड़ा सा फन मस्ती करते हैं, इतनी बातें सुनी हमने, इतना मतलब इन स्टोरीज, इतनी इंस्पिरेशन बातें, अब थोड़ा सा आपके साथ कुछ फन मस्ती करते हैं। मैं आपको कुछ हिंदी में लाइनें बोलूंगा और आप वो ये बताइएगा कि आप राजस्थानी में कैसे बोलते हो सही हमारी तरफ देख के। चलो, पहली
लाइन है, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन करता हूँ। आपको, आपने बताया कि आपको एक्टिंग का भी शौक है, तो अगर आप जैसे बोलना चाहते हैं ना, जैसे मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ा सा ड्रामा क्वीन बनके, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये तरीके से ऐसा करके होता है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक्टिंग करके आप बोलना चाहो तो आप राजस्थानी में वो भी बोल सकते हो। तो पहली लाइन है, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे भाई मने अकेला छोड़ दो। क्या बात है, जबरदस्त। अरे भाई मने अकेला छोड़ दो, ऐसा कुछ बोला आपने? क्या बात है, सही बात है। ये तो आप ऐसा बोले जिससे तंग आ गए हो कि भाई रोजाना आ जाता, भाई माफ कर दे मुझे। सही बात है, ओके। दूसरा है, आपका नाम क्या है? ये भी आप जरा हमें राजस्थानी में बोल के दिखाओ। मारो नाम रूमा देवी है। तो मारो नाम तो रूमा देवी है, बट ये मैं बोला थारो नाम की है, ऐसे पूछते ना कि आपका नाम क्या है। हाँ, आपका नाम क्या है, कैसे पूछेंगे? थारो नाम कहीं है सर? मारो नाम शबीर हुसैन सा, ऐसा बोलेंगे? कैसे बोलेंगे कि मेरा नाम शबीर है, कैसे बोलेंगे राजस्थानी में? मारो नाम शबीर है। हाँ, मारो नाम शबीर है। सो भाई जितने भी वेवर्स है वो देख लो, मारो नाम शबीर हुसैन सा। मैं राजस्थानी सीखूंगा। बड़ा मजा आ गया। उससे ये है कि हाँ, नेक्स्ट लाइन है, यहाँ कोई अंग्रेजी बोल सकता है? इसको राजस्थानी में बोल के दिखाओ। अरे कोई अंग्रेजी बोले कहीं? हाँ। मैं बोल सकूं थोड़ी थोड़ी? ओके, क्या बात है। अच्छा अब बोलिए, मुझे राजस्थानी बोलनी आती है, इसको कैसे बोलेंगे? मने मारवाड़ी आवे। अच्छा, मारवाड़ी कहते हैं वहां पे लैंग्वेज को, मारवाड़ी। तो राजस्थानी इज बेसिकली मारवाड़ी लैंग्वेज। मारवाड़ी, मने मारवाड़ी आवे है। क्या बात है। अच्छा नेक्स्ट लाइन है, मुझे समझ में नहीं आया। मारे समझ में कौन आवे? मारे समझ में कौन आवे, कि तू क्या बोले, मारो समझ में कौन आवे, कल दोबारा आई। ओके। अच्छा ये उनको बोलते होंगे ना जो घर में आते हैं, भाई आपका टीवी का जो है वो बिल आ गया बहुत ज्यादा केबल का, तो भाई मारो, तेरी बात समझ में नहीं आ रही, कल आना। ओके। चलो पकड़ो पकड़ो, ये चोर है, ये पुलिस वाले के अंदाज में दिखेगा, एक राजस्थानी पुलिस ऑफिसर महिला वो चिल्ला रही है, पकड़ो पकड़ो ये चोर है, कैसे बोलेगी वो? पकड़ो पकड़ो चोर जा रही है। तो लोग आपको बोलेंगे आप पुलिस ऑफिसर, आप पकड़ो ना। क्या बात है रुमा जी, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। आपके अंदर वाकई में एक्टिंग की कला भी है, आप ये कला भी कभी आजमाना? कशीदाकारी तो आपने कर ली, मॉडलिंग भी कर ली, आपने ब्रांड भी लॉन्च कर लिया अपना, इतने लोगों को इंस्पिरेशन कर लिया, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बन गए, बड़े बड़े लोगों से भी मिल लिया, अब आप एक्टिंग भी कर गए। मॉडलिंग मैंने अकेली ने नहीं की है, हमारी गांव की महिलाओं को भी हमने रैंप वॉक करवाया है। क्या बात है, यानी कि जो महिला जो है घर में रोटी बनती थी रैंप वॉक पे चल रही है, क्या बात है। तो ये देखिए गांव में प्रॉब्लम नहीं हो रही उमा जी, मतलब यानी कि ऑब्वियसली वहां पड़ा अपने परिधान के साथ में मॉडलिंग कर रही है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है, वो सोच रही है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन लोग पहन रहे हैं, उनको इतना मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि नहीं हमें और अच्छा काम करना चाहिए। सही बात है, जो अंदर एक चीज दबी हुई थी वो निकली, तो बिल्कुल कहता ना कि वोल्केनो की तरह निकली। क्या बात है। अच्छा अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको हम कहते हैं रैपिड पोल खोल। इसके अंदर ये होगा रूमा जी कि हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आपको उसका फटाफट फटाफट जवाब देना है, यानी कि जो पहली चीज जहन में आया ना वो आपने बोलनी है। सही। अच्छा ये बताएं, आपने कभी किसी से झगड़ा किया है? कभी कभी हो जाता है। हम जानना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार में बताइए किससे किया था, मतलब थोड़ा सा जो फन वाला हो, मस्ती वाला, ऐसा कुछ? अभी तो नहीं, लेकिन बचपन में सहेलियों में झगड़ा हो जाता था। अच्छा। तो वो एक मेरी बचपन की सहेली है जेठी नाम की। अच्छा। तो हम अक्सर ज्यादा लड़ाई करते थे स्कूल जाते उस टाइम, चलते हुए रास्ते में छोटी छोटी बात पे हम झगड़ा कर लेते थे। हाँ। लेकिन अभी हम में इतना प्यार है कि हम एक दूसरे के बिना मिले नहीं तो रह नहीं सकते। क्या बात है, उनका क्या नाम क्या उनका? जेठी। जेठी, मैं जेठी जी राम राम साहब, उनको भी हमने हेलो बोल दिया। अच्छा कौन सा एक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अमिताभ बच्चन जी, उनकी जो एक्टिंग, उनके जो जितनी फुर्ती से वो डायलॉग बोलते हैं और इधर से उधर आ जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के साथ में, बहुत अच्छा लगता है। आपने अमिताभ बच्चन जी से आपसे अच्छा मिली, जब केबीसी में आप उनसे मिली तो आपने उनको बताया कि अमिताभ बच्चन जी आप मुझे बहुत पसंद है, तो क्या बोले वो? वो बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने पूछा होगा आपसे, आपने हमारी कोई पिक्चर वगैरह देखी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वही बताई होगी? हाँ मैंने बोला, उस टाइम मैंने उनकी सूर्यवंश ही देख रखी थी, तो उसके बारे में मैंने बताया कि नहीं आपकी पिक्चर हमने देख रखी है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा आपको ऐसी कौन सी चीज है जो पसंद तो बहुत है खाने में लेकिन आपको
पकानी नहीं आती है। अब आप इतना देश विदेश इतना घूम चुके हो तो कोई एक ऐसी चीज जो आपको पसंद तो बहुत है लेकिन आपको पकानी नहीं आती वो? नहीं ऐसा तो नहीं है, अपन को जो पसंद होती है तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं, इतनी अच्छी नहीं बनती है लेकिन कोशिश कर लेते हैं। तो वैसे ही पूछना भी फजूल है कि आप तो मतलब जो चीज नहीं करनी होगी ना मैं करके दिखाऊंगी। तो जो क्या हुआ, मैं जब प्रधानमंत्री से मिल सकती हूँ, मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो ये तो पूछना ही फजूल है। चलो वैसे पसंद क्या खाने में आपको? मुझे ट्रेडिशनल खाना ही अच्छा लगता है, राजस्थानी खाना जो दाल बाटी चूरमा है, बाजरे की रोटी के साथ में दही राबड़ी, ये सारी चीजें पसंद है। क्या बात है, क्या बात है, इतना जबरदस्त खाना खाया तभी तो इतना दिमाग इतना तेज है। अच्छा एक बात बता, अगर आपको कभी अगर मूवी में अगर कभी कई चांस मिले कोई रोल करने का तो आप कौन सा रोल करना चाहोगे? मतलब मैं ट्रेडिशनल होगा वही करना चाहूंगी क्योंकि हम राजस्थान से जुड़े, राजस्थान के हैं और राजस्थान से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज आएगी तो हम जरूर करना चाहेंगे। अच्छा राजस्थान से कोई जुड़ी हुई चीज वो आप जरूर करना चाहोगे, सही है। अच्छा अगर आपको एक जादू की शक्ति मिल जाए कि अगर आपको हम बोलें कि भाई आपके पास एक जादुई शक्ति आ गई एक दिन के लिए तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? पहला काम यही करूंगी क्योंकि मेरा सपना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके उनके लिए क्या करना है वही सोचूंगी। अच्छा वही सोचोगे और दूसरी चीज कोई मतलब घर परिवार के लिए कि मतलब यानी कि पति ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है, वो ऊपर वाले की कृपा है, जिस तरीके से होना है होता रहेगा, अपन को जो करना है वो करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। रुमा जी मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ ना तब मुझे लगता है कि वाकई मैं इस दुनिया का वाकई मैं कुछ हो सकता है क्योंकि अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। रुमा जी ये हमारे शो का बिल्कुल खत्म का टाइम है लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात आज यहां बताऊं। मैं इतने अरसे से टीवी कर रहा हूं, इतने सारे मैंने शोज किए, मैंने आज तक कभी भी किसी के लिए शेयर नहीं लिखा। ये आपके लिए जब हमें पता चला कि आप हमारे शो में आ रहे हैं और आपके बारे में जब हमने रिसर्च की मैं इतना इंप्रेस हुआ, इतना आपसे मतलब कहता ना कि वाकई में कहता ना कि रोना बस बाकी था। और तो मैंने एक चार लाइनें आपके लिए लिखी हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको सुनाऊं। मैं वो एक गाना लेकिन इसमें जरूर बोलूंगा कि मैं शायर तो नहीं मगर आपको देखा तो मुझे शायरी आ गई। तो मैंने आपके लिए लिखा है कि रोशनी का काम है उजाला फैलाना, सही है, जिंदगी का काम है आगे बढ़ते जाना। रूमा जी बस आपसे यही है मेरी गुजारिश, थोड़ी सी हिम्मत और दिखाना और सूरज को भी जमीन पे ले आना। रूमा जी आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो और हमें इतना ही कॉन्फिडेंस है, जितना आपकी बातों पे कॉन्फिडेंस है, जितना आपकी जर्नी पे कॉन्फिडेंस है, इतना ही कॉन्फिडेंस मुझे आपकी फ्यूचर पे भी है कि आप जो करोगे आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। बिल्कुल, भगवान की कृपा रही है, हमेशा लोगों का सहयोग मिलता रहा है क्योंकि उसके बिना तो हम आगे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम बैठे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पूरा डेजर्ट एरिया है, वहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता है लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जो भी लोग घूमने आए जोधपुर जैसलमेर तो वो एक बार बाड़मेर विजिट करके ज़रूर जाए, तो इस तरीके से हमने वहाँ पे काम करके रखा है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे राजस्थान की जो 28 लाख महिलाओं का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना के नई जिम्मेदारी दी गई है उसको भी मैं निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन वो जब निभ पाएगी जब आप जैसे सभी लोगों का हमें सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है, सहयोग भी आपके साथ है और आज के बाद हम तो हैं आपके, हमारे व्यूवर्स भी आपके साथ हो जाएंगे जो एनटीवी अमेरिका और लेट नाइट वाइब्स को देखते हैं। अच्छा रूमा जी अब हम आपसे ये विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज दो तो हमारे शो का ये वाला साइन अप बनाओ। देखो आपको तो कशीदकारी कर रहे हैं, आपको तो शेप बनाना बहुत आसान होगा, ये वाला है। देखें रूमा जी ये आपका कैमरा, इस कैमरे में देख के आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या बोलोगे? मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक संदेश देती हूँ कि महिला महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। आपके साथ में बैठ के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से जैसे अमिताभ बच्चन जी इंटरव्यू करते हैं वैसे आप भी कर रहे हैं। क्या बात है, मैं संन्यास ले लेता हूँ, हिमालय चला जाता हूँ मैं, वही आज रुमा जी ने इतनी बड़ी बात कर दी। रुमा जी थैंक यू सो मच, बहुत आपने वाकई में, अमिताभ बच्चन के हम भी बड़े फैन हैं। तो रुमा जी बस एक कहते हैं ना कि टाइम हो गया है लेकिन अभी ऑफ कैमरा आपके साथ हम पिक्चर्स भी खिंचवाएंगे, आपके साथ चाय भी पियेंगे, सही रुमा जी? थैंक यू। चलो गाइस आज आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे द रुमा देवी जी थी, इनकी इंस्पिरेशनल जर्नी और स्टोरी हमने सुनी, इनके साथ मजे मजे की एक्टिविटीज भी हमने की। तो शब्बीर आज इस प्रॉमिस के साथ यहाँ से जा रहा है, नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन पर्सनालिटी गेस्ट की शक्ल में लेके आऊंगा। सो टिल देन keep watching late night vibes with Shabir.